हाय एवरीवन, नमस्कार। टिप्स इलेक्ट्रिकल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, करंट लगने के बाद जान बचाने के लिए हमें कौन सी प्राथमिक उपचार करना चाहिए और कौन सी नहीं, ताकि करंट लगने के बाद जिन्हें करंट लगे वह आसानी से बच सके। क्योंकि आजकल के ज़माने में, मतलब कि अभी के ज़माने में, जितने भी चीज़ें हैं वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चलते हैं। मतलब कि हमारा जो लाइफ है फुल्ली इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रहा है। तो सिंपली सी बात है कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने की ज़्यादा संभावना है। तो ज़्यादा संभावना है तो हर किसी को इसका नॉलेज होना चाहिए कि जब कभी इलेक्ट्रिसिटी से करंट लगेगा तो इससे बचाव होने के प्राथमिक उपचार कैसे हो। तो चलिए इसी चीज़ को हम लोग समझते हैं। अगर इलेक्ट्रिक शॉक घर के बाहर लगती है तो सबसे पहले हमें जो करना चाहिए वह लकड़ी, सूखी हुई लकड़ी की डंटे से हमें इलेक्ट्रिक शॉक को जिस वायर से लगा है उसे हमें हटाना है। और जब भी हम इलेक्ट्रिक डंटे को यूज करते हैं उससे पहले हमें अपना प्रिकॉशन अपनाना चाहिए, जैसे कि ये शू इंसुलेटेड होना चाहिए, इसके आसपास में किसी तरह का वाटर फ्लो नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ हमें और भी बातों का ध्यान रखना चाहिए, अगर हो सके तो वुड की लकड़ी की चटाई, वुड की लकड़ी की तख्ता पे आप खड़ा हो सकते हैं, या गत्ते कागज की गत्ते पर खड़ा हो सकते हैं, या रबट की चटाइयों पर आप खड़ा होकर के ही अगर इलेक्ट्रिक शॉक जिसको लगा है उसे हटाते हैं, या सेफ्टी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगला, चलिए अगर हम घर के अंदर होते हैं और फिर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो उससे बचाव कैसे करेंगे। जब हम घर में हैं और इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो सबसे पहले हम लोगों को जो प्लग लगी हुई है इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड से उसे हटाना है, स्विच को पहले ऑफ करके उसके बाद सूखी हुई लकड़ी की डंटे से जो वायर से पैसे आदमी को करंट लगा है, जिस व्यक्ति को शॉक लगा हुआ है, उस वायर को उस डंडे से हम लोग हटाएंगे। हटाने के जस्ट बाद क्या करना है उस पर हम लोग ध्यान दीजिए। अगर शॉक लगने के बाद आदमी बेहोश हो गई हो, ज़्यादा ही हालात ख़राब है, तो इसके लिए सबसे पहले हम आसपास की डॉक्टरों को कॉल करेंगे। डॉक्टर नहीं है तो एम्बुलेंस को भी कॉल कर देंगे, या वैसे व्यक्ति को कॉल करेंगे जो कि इसका समाधान कर सके। ठीक है, जब तक कि हम कोई आए उससे पहले हम अपना प्राथमिक उपचार करेंगे, वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हम आगे समझने वाले हैं। जब भी इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और आदमी बेहोश हो जाता है तो सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उन्हें किसी तरह का लिक्विड ना पिलाएं, मतलब पानी का यूज या लिक्विड जैसा कोई भी चीज़ें उन्हें नहीं देना चाहिए। हो सके तो खाना का भी परहेज करें जब तक कि उन्हें सांस ना आ जाए, मतलब कि ठीक ना हो जाए, या डॉक्टर से सजेशन लेने के बाद ही कोई ही लिक्विड दें। ध्यान रहे कि यह चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इससे अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद अगर किसी जिन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगा है और उसे आप वाटर या कोई लिक्विड पिलाते हैं तो उससे उनका जान भी जा सकता है। सो जब भी इलेक्ट्रिक शॉक लगे उस टाइम हम लोग किसी पेशेंट को लिक्विड या वाटर नहीं देंगे। चलिए अगला प्रिकॉशन समझते हैं। जिन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगा है उसे उन्हें इस दो पोजीशन में हम लोग लिटा देंगे। पहला पोजीशन है कि पेट की बल सुलाएंगे और पीठ को हम ऊपर की ओर रखेंगे। ठीक है, दूसरा, चलिए पहले इसमें समझ लेते हैं कि इसमें क्या करना है। पीठ की बल इस प्रकार से लेटा दे, जिसे जिन्हें करंट लगा है, शॉक लगा है और वो बेहोश हो गए हैं, सांस नहीं ले पा रहा है, तो उन्हें इस प्रकार से पहले सुला दे। उसके बाद उसके पीठ पे जाते आराम आराम प्रेशर से उसे दबाए, और दबा के छोड़ना भी है, पहले जांचना, पहले इसे दबाना है फिर उसके बाद छोड़ना है। सेकेंड पिक्चर में क्या है कि पहली पिक्चर में हमको दबाना है, दूसरी पिक्चर में हमने यह दिखाया है इसे छोड़ा है। जब जातेंगे तो इनका सांस बाहर की ओर आएगा, और जैसे ही हम छोड़ देंगे तो इनका सांस फिर अंदर की ओर आ जाएगा। इससे क्या होगा कि श्वसन की प्रक्रिया इनका चालू होगा, और इसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन सिस्टम, मतलब कि कृत्रिम ढंग से हम सांस को कैसे चालू रखेंगे जब तक एम्बुलेंस और डॉक्टर आए, या हो सकता है तो इनसे आदमी जिंदा भी हो जाएगा, मतलब कि होश भी आ जाएगा। दूसरा पोजिशन है कि इस प्रकार से क्या करेंगे हम लोग, घायल के कंधों को थोड़ा ऊपर करके सिर को पीछे की ओर लटका दे, कलाइयों को सीने पर रख कर दबाए, जिस प्रकार से ये दबा रहा है। जब इसे इसके कलाइयों को दबाते हैं तो इससे क्या होता है, इनका सांस जो है बाहर की ओर आता है, और जैसे ही सांस इनकी हाथों को हम हटा करके पीछे की ओर इस प्रकार से लेते हैं तो सांस फिर इनके अंदर आने लगता है। इस प्रकार से फिर हमारा श्वसन क्रिया चालू हो जाता है। इससे क्या होगा कि हमें सांस लेने में जो प्रॉब्लम हो रही है, जो सांस रुकी हुई है, वह चालू होगा, और आदमी का
जो बेहोशी है वो होश में आ सकता है। चलिए इसके बाद का क्या प्रिकॉशन है वो हम समझते हैं, और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद आदमी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है। इतना सारे प्रक्रिया करने के बाद अगर पेशेंट इस प्रक्रिया के ड्यूरिंग ही हम अपने डॉक्टर को या एम्बुलेंस को, हो सकता है तो फायर ब्रिगेड को भी हम कॉल कर सकते हैं अगर इलेक्ट्रिसिटी के कारण अगर शॉक लग गए मतलब आग लग गई हो, और आप पुलिस को भी कॉल कर सकते हैं। सबसे प्रायोरिटी है कि पहले हम एम्बुलेंस को कॉल करें, नियर बाई डॉक्टर है तो बुला लें, और उसके बाद आग लगी है तो सबको आप कॉल कर सकते हैं किसी आदमी की सहायता से। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद क्या क्या होता है। चलिए इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद हमारा पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मस्कल्स हो जाना मतलब श्वसन पेशियों का पक्षाघात हो जाता है, ठीक है। दूसरा व्यापक व गंभीर दाह हो जाते हैं मतलब कि शॉक लगने के बाद बहुत जल सकता है, बहुत ज़्यादा जल सकता है, जहाँ पे शॉक लगा है वह पार्ट आदमी का जल सकता है। पेशीय संघूघन हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, क्लॉथिंग ऑफ ब्लड हो सकता है, नेक्रोसिस हो सकता है, हार्ट फेल्योर हो सकता है, किडनी फेल्योर हो सकता है। ये सारे चीज़ें आदमी के अंदर होती है जब इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है, करेंट लगता है। यही कारण है कि शॉक लगने के बाद अक्सर आदमी डेट कर जाते हैं मतलब कि नहीं जी पाते हैं। तो होप आप लोग इस वीडियो को समझ पाए होंगे, और ये जैसे सही तरीके से अगर अपनाते हैं तो आपका जान बच सकता है क्या बच जाएगा। होप आप लोग इस वीडियो से कुछ समझ पाए होंगे, अगर समझ पाए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।